क्या तुम थोड़ी आवाज कम नहीं कर सकते? हम कुछ कैसे पकड़ेंगे अगर तुम ऐसे ही बेवकूफी करते रहोगे? तुमने कुछ सुना? हाँ कुछ तो है। तुम्हें कुछ दिखा? हवा होगी। हो सकता है। नहीं नहीं कुछ भी नहीं। सुनो मुझे एक बियर दो। मैं तुम्हें स्ट्रिप्स पे क्यों लाता हूं? तुम सारा खेल बिगाड़ देते हो। कम से कम तुमसे तो कम ही बोलता। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं था। तुम मेरी बीवी की तरह होते जा रहे हो यार, तुम्हें अपना रवैया बदलना चाहिए। ये बियर अंदर जाकर सीधा बाहर निकलती है। करने ही वाली थी। आप हमें केबिन इस्तेमाल करने दे रही हैं, इसके लिए शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं, वहाँ सालों से कोई नहीं गया है। अच्छा हुआ नेटवर्क जाने से पहले तुमसे बात हो। दरअसल सेल फोन्स नहीं होना भी हमारे लिए दिलचस्प बात है। एक हफ्ते हम दोनों के अलावा बात करने के लिए किसी का ना होना अच्छा साबित होगा। वहाँ केबिन में बिजली ठीक से नहीं आती है, लेकिन वहाँ एक छोटा सा जनरेटर है, थोड़ा गैस लाना पड़ सकता है। केबिन से थोड़ी दूरी एक छोटी सी दुकान है। ये जान के मुझे अच्छा लगा। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो वो वहाँ पे मिल जाएगा। लगता है अब हम अकेले हैं। सच में? कुछ बात बनी? हाँ, फिर मैंने उससे बात की पर कुछ बात जमी नहीं। अच्छा अच्छा। हेलो, हे मेरे साथ मेरा डॉग है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं काटता नहीं हूँ अगर वो ना काटे तो। थैंक यू। देखें जरा कौन आया है। इसका नाम लैरी है। गुड बॉय, बहुत अच्छी नस्ल का है। और इस सुंदर डॉग का नसीब वाला मालिक कौन है? ओह सॉरी, मेरा नाम वर्जीनिया है। मिलकर खुशी हुई। और ये मेरे पति है जैक। मैं जॉन हूँ। मिलके अच्छा लगा। हमारी जान पहचान हो गई है, बताइए मैं आपकी क्या मदद करूँ? वो दरअसल हम कुछ चीजें लेने आए हैं, हम इसी एरिया में रहने वाले हैं, तो मैं देखना चाहती थी कि आपके स्टोर में क्या क्या है। तो बस ऐसे ही घूमने आई थी? हमारी एक केबिन है,
दरअसल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ओ, मेरे अंकल की थी, रैंड मार्स्टन। मार्डन की जगह क्या? हाँ। पुराना दोस्त है मेरा वो, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। हम शिकार पे जाया करते थे कभी। डेलोर्स अभी भी है ना? डेलोर्स का स्वास्थ्य कैसा है अब? हाँ, वो अभी भी स्वस्थ है, वो फ्लोरिडा में रहती है। अच्छा लगा सुनकर। वैसे बर्फ नहीं होगी, उनकी जगह बहुत खाली थी। तुम्हें यहाँ लैरी पे नजर रखनी चाहिए, यहाँ बहुत सारे लोग अपने पेट्स खो देते हैं, पालतू जानवर भी। जब तक इस जगह से वाकिफ ना हो जाए ध्यान रखना जरूरी है। थैंक यू, मैं ध्यान रखूंगी। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। वैसे तुम्हें पता चल गया होगा कि यहाँ दूर दूर तक मोबाइल नेटवर्क नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ लैंडलाइन है, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो। बहुत स्वीट हो। तुम्हें मीट पसंद है? हाँ। बिल्कुल फ्रेश है, एक लड़के ने इसे पिछली रात ही काटा। तुम्हारे रास्ते में हूँ। माफ करना। जाओ बच्चे, चलो निकलते हैं। इससे मुझे याद आया, आपके पास स्टॉक में डॉग फूड कौन सा है? हम सूखा खाना वहाँ पीछे रखते हैं और कैंस वहाँ शेल्फ पे। मैं सूखा खाना लूंगी, तुम थोड़ा काम भी कर लो। ये यहाँ पीछे ही। हे, रुक जाओ रुक जाओ। अरे सुनो तो सही, रुको तो। ए, क्या? हम वेकेशन पे हैं, मैं तुम्हें रिलैक्स करना चाह रहा था। अच्छा, लड़ाई शुरू करके? मैं तो यहाँ नजारे देखने आया हूँ, जैसे ये पेड़, पर्वत और खूबसूरती। जरूर, मान भी लो वो बहुत खूबसूरत थी। ठीक है, वो बहुत बढ़िया थी, लेकिन पता है क्या, यहाँ 100 मील तक गिन के 3 लोग हैं, जिनमें से एक को तुम ताड़ रहे थे और दूसरे से लड़ने वाले थे। सॉरी बेबी, मैं एक जानवर हूँ। बदमाश। रुको, दरवाजा मैं खोलता हूँ। कितने संस्कारी हो तुम, है ना? जाओ बैठ जाओ। उस लड़के से लड़ाई क्यों की? क्या उसने तुम्हें किसी की याद दिला दी? नहीं, मैंने कोई लड़ाई नहीं की। मैंने देखा उसे, वो तुम्हें कैसे घूर रहा था, क्या हुआ था? देखो, कोई लड़ाई नहीं हुई थी, वो अचानक इनसिक्योर हो गया था। ये एक अल्फा मेल वाली बात है, लड़ाई तभी होती है जब क्लियर नहीं होता है कि वो कौन है। ओ अच्छा, ऐसी बात है सच में? ऐसा लगता है दूसरों से ज्यादा ये तुम्हारे साथ ही होता है। नहीं, हर बार होता है जब दो मर्द मिलते हैं, बस थोड़ा सा सेटल होता है आमतौर पे। सच में? बिल्कुल। देखो, इसे लड़ाई नहीं कह सकते हैं, लेकिन डोमिनेंस हर बार दिखाई देता है। हैंडशेक के वक्त हाथ पहले कौन लाता है, बात करते वक्त नजरें कौन छुपाता है, कौन एकदम सीधा खड़ा होता है। जब कोई नया लड़का कमरे में आता है, गेम वही है लेकिन रूल्स अलग हैं। लड़के भले ही लड़ रहे हों, लेकिन वो सच्चाई बयां करते हैं। खैर कोई नहीं, तुम्हारे पास इस रास्ते में लड़ने के लिए कोई नहीं है सिवाय मेरे। इसी बात का तो मुझे डर है। चलो भी, हम यहाँ अच्छे से रहने आए हैं। शायद ये वही ट्रिप है जो हमें सब कुछ ठीक करने के लिए चाहिए थी। शुक्रिया कि तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए काफी है। हाँ बिल्कुल। हे, वो देखो। ओ जैक, ये परफेक्ट है। आ जाओ। हे, आराम से। चलो चलो अंदर आओ। आ जाओ, आ जाओ। हाँ, कुछ दिनों के लिए हमारा घर है। अपना बेडरूम देख लो। जाओ। चलो जाओ। वाओ,
ये तो कमाल है। मुझे लगा कि तुम यहाँ आ चुकी हो। हाँ, जब मैं छोटी बच्ची थी, लेकिन तब मैं सिर्फ स्विमिंग करके बाहर खाना खाया करती थी। मैं मुश्किल से घर में आया करती थी। थोड़ी सफाई कर दी जाए तो ये और अच्छा लगेगा। ओ बेबी, यहाँ एक छोटा सा चूल्हा है। हे, ये देखो, हफ्ते भर का खर्च निकल जाएगा। हाँ, वो अंकल रैंड का है। उनके पास ऐसे सिक्कों के जार हर जगह पड़े रहते थे। तुम्हें देखना चाहिए, उसमें कुछ पुराने सिक्के भी होंगे। सही कहा तुमने, ये सब सिल्वर डॉलर हैं। मैंने कहा था हमें वो आंटी को वापस देना होगा। क्यों? क्योंकि ये सिक्के उनके हैं। ये जगह अंकल रैंड की है, तो यहाँ की हर चीज उनकी है, तो उन्हें ये देना होगा। हाँ बिल्कुल, मैं बस आंटी जी से मिलना नहीं चाह रहा था, समझ रही हो? आखिर बेडरूम मिल गया। अच्छा, मिल गया क्या? तो ऐसा है कि मैं ये मैगजीन बहुत पहले से पढ़ती थी, जब मैं 10 साल की थी। लिखा है कि बेडरूम अभी भी घर का सबसे मजेदार कमरा हो सकता है। क्या ये सच है? ओ हाँ, ये बिल्कुल सच है, किचन काउंटर टॉप और हॉट टब्स के बाद। अब जब हम यहाँ खाना खाएंगे, उसके बाद ही मैं इस मैगजीन के बारे में सोचूंगा। अच्छा प्लान है। लैरी कहाँ है? क्या लैरी? वो खुद को संभाल सकता है। जैक, उस आदमी ने कहा था यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं। क्यों नहीं होंगे, अभी एक जानवर तुम्हारे सामने ही है। ओह, चलो भी। नहीं जैक, बस चलो। 5 मिनट बेबी। मैं तुम्हें जानती हूँ, 5 मिनट तुम्हारे बढ़ जाते हैं। चलो भी, लैरी को देखते हैं। लैरी! लैरी! कहाँ हो? लैरी! जैक, ये देखो जरा। वाह, ये तो काफी बड़ा है। क्या ये भालू के हैं? मुझे नहीं पता। ये दूसरे निशान लैरी के हो सकते हैं। मुझे लगता है ये आखिरी बैग होगा। मुझे वो रेड बैग दे दो। ये लो। कैंडल्स निकाल लेती हूँ। क्या तुम्हें भूख लगी है? बहुत जोर की। बढ़िया, अंधेरा होने से पहले मुझे खाना बनाना है। यहाँ लाइट नहीं है। जब तक हम जनरेटर स्टार्ट नहीं कर लेते, हमारे पास कैंडल्स है। बिना बिजली के रहने में मजा आएगा। हम एक अच्छा सा रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर करेंगे। मैं जनरेटर चेक करके आता हूँ, पता नहीं कब उसकी जरूरत पड़ जाए।
वाह! अरे वाह! मुझे जनरेटर में थोड़ा तेल डालना पड़ेगा, समझी? तुमने उसे भरा नहीं था? मैंने मैंने बस देखा कि वो चल रहा है या नहीं। कभी भी ऑयल खत्म हो सकता है। थैंक यू। तो तुम्हें क्या लगता है वो दूसरे निशान किसके थे? मुझे नहीं पता, पहाड़ी शेर, भालू भी हो सकता है। भालू के तो पंजे होते हैं, शायद तेंदुआ होगा। वो देखने में कितना मजा आएगा। लेकिन मुझे लैरी की फिक्र हो रही है। मुझे तेंदुए की ज्यादा फिक्र है, उसका वजन लगभग मेरे जितना होगा। पता नहीं, शायद ये इतना अच्छा आइडिया नहीं था। तुम भी ना, हम अभी तो आए हैं, एक मौका तो दो। हम कितने सुनसान जगह पर हैं। अच्छा हुआ तुमने कैंडल जला दिया। जैसा मैंने कहा, एक मौका तो दो। जानती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि बिना सेलफोन के बहुत अधूरा महसूस हो रहा है। मैं पूरा कर दूं? जैक, मुझे पक्का यकीन है कि दो दिन में सब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हारी रक्षा के लिए मैं तो हूं ना। मैं हमेशा से यही चाहती थी, कोई जो मुझे सुरक्षित महसूस करवा सके और जिसका मैं ख्याल रख सकूं। डर गई क्या तुम? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं उठा तो तुम बेड पे नहीं थी। तुमने कपड़े क्यों पहन लिए? मैं जनरेटर चेक करने जा रहा हूँ। पानी पीते रहना चाहिए। ये कंट्री लाइफ तुम्हें पसंद आ रही है ना? तो आजकल के बच्चे इसे ये बुलाते हैं। Oh!
मुझे नहीं पता जैक, वो क्या था? मुझे नहीं पता। तुम तो ठीक हो ना? मैं मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। ओह माय गॉड, तुम्हारा खून बह रहा है, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा अभी। तुम कहाँ थे जैक? मैं खो गया था। तुम कहाँ थे? मैं खो गया था अंधेरे में। मैं बस एक लड़की की चीख सुन रहा था और मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था उससे लड़ने के लिए। इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, आखिर तुम बाहर क्यों गए जैक? मैं गाड़ी के पास गया था, मुझे हथौड़ा या कुल्हाड़ी मिल जाए, उसने मुझे काटा था, मैं उसे मारना चाह रहा था। अच्छा तो तुम उसके बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे? नहीं, मैं बाहर अंधेरे में खो गया था। तुम कहाँ जा रही हो? वापस उस जनरल स्टोर में, शायद उस बड़े आदमी को पता होगा कि हॉस्पिटल कहाँ है। और दूसरी बात, मुझ पर चिल्लाना बंद करो। दरवाजा खोलो प्लीज, प्लीज कोई दरवाजा खोलो प्लीज। हमें डॉक्टर की जरूरत है। क्या हुआ, बात क्या है? मेरे हस्बैंड पर अटैक हुआ है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। अटैक? हाँ प्लीज, डॉक्टर को बुलाइए। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। थैंक यू। इतनी ज्यादा भी चोट नहीं लगी है? अंदर बैठ जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। सच में इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी? जैक नहीं, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, वो बस रास्ते में ही है, तुम दोनों उनका घर ढूंढ नहीं पाओगे इसलिए। बाप रे, बहुत ज्यादा है ये तो। क्या था, कुछ पता है तुम्हें? मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ा था, मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया, बहुत अंधेरा था। चलो चल के अंदर आराम करो, तुम्हें थोड़ा आराम की जरूरत है, मेरे पास पीछे घर में जगह है थोड़ी सी। तुम्हारे ऐसे दिन भी आते हैं? चिंता करने की बात नहीं है, चलो। अंदर आ जाइए। मैं डॉक्टर हेवर्ड, हेलो। आप ही पेशेंट होंगे ना? मैं जैक। खून अच्छे से बह रहा है, अच्छा संकेत है। ओ, क्या वो कुत्ता था? नहीं, वो बहुत बड़ा था, क्योंकि अंधेरे में मैं ठीक से उसे देख नहीं पाया। ठीक है चलो, साफ कर देता हूँ ताकि ठीक से देख सकूं। और बाप रे, बहुत ज्यादा खून है, लेकिन तुम्हारा रंग ठीक है, लगता नहीं कि ये चोट ज्यादा गहरी है। क्या बताया, कब हुआ था ये सब? करीब 2 घंटे हो गए। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उल्टा ये बहुत अच्छे से ठीक हो रहा है। लेकिन मुझे फिर भी तुम पर इन्फेक्शन और रेबीज के टेस्ट करने होंगे। रेबीज? हाँ, वो भी हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि उसी वजह से जंगली जानवर ने तुम पर अटैक किया हो। आमतौर पर वो इंसानों से दूर रहते हैं। तुम्हें यकीन है कि वो कुत्ता नहीं था? अरे बाप रे बाप, लैरी कहाँ गया? कौन लैरी? मेरा डॉग जैक, हमें वापस जाकर लैरी को ढूंढना होगा। देखो, मैं जानता हूँ कि वो हमें बहुत प्यारा है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते। उसे चोट लग सकती है। मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। वो मेरा डॉग है, वो मेरे पास तुमसे भी पहले से है, और उसने मेरी जान बचाई है। मैंने कहा ना कि मैं बाहर खो गया था। बाहर जो दूसरी केबिन थी उसमें कंफ्यूज हो गए थे। मैं वहाँ हथियार ढूंढने गया था। हम किचन में थे, वहाँ बहुत सारे चाकू थे। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? आपने कहा कुत्ते ने उस जानवर पर हमला किया जिसने आप पर हमला किया, ठीक है ना? ठीक है, तो अगर हम उस डॉग को ढूंढ सकें तो हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, और फिर जैक को रेबीज ट्रीटमेंट से गुजरना नहीं पड़ेगा, जब तक बहुत जरूरी ना हो, वरना मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हारी दवाई शुरू कर देते हैं। जैक, वो मेरा लैरी है, प्लीज। ठीक है, पहले ये सब खत्म हो जाए, उसके बाद हम वहां जाएंगे और लैरी को ढूंढेंगे। सब कुछ हो गया? हाँ, बस कुछ चीजें और, अगर थोड़ा भी इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक है, और ये दवाइयाँ दर्द के लिए।
तुम जरा एक सेकंड बाहर जाओगी? जरूर, मैं बस आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी, इतनी रात को आपको यहाँ आना पड़ा, इसके लिए माफी चाहूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये गांव के डॉक्टर की जिंदगी है, समझे? तो डॉक्टर, सब कुछ ठीक है ना? मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, ठीक है? तो हो सकता है कि अब से तुम कुछ अजीब चीजें महसूस करो। वो सब था क्या? मुझे नहीं पता, वो मुझे किसी ग्रुप का हिस्सा बनाना चाहते थे। लैरी, मैं घर के अंदर देखता हूं। यहां आ जाओ लैरी। लैरी, वो अंदर भी नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा खाना बाहर रख देते हैं। ठीक है। कितनी खराब हालत है। हमें खिड़की बंद कर देना चाहिए। मैंने कुछ लकड़ी देखे थे बाहर, मैं कील ढूंढता हूँ। क्या तुम तो मेरे लिए बेकन ला सकते हो पहले? थैंक्स बेबी। वो हमें जल्द ही मिल जाएगा। शुक्रिया। इसके साथ कुछ अंडे भी बना देती हूँ। ये हुई ना बात। कहाँ हो लैरी? लैरी, 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 सुन रहे हो तुम? काश मैंने पहले ये सोचा होता तो मैं कहीं लिखकर ये डाल देती कि ये डॉग अगर आपको कहीं दिखे तो। हाँ, क्योंकि यहाँ के लोग उसे खा जाएंगे। बहुत बढ़िया, तुम कितने इनसेंसिटिव हो। तुम देख सकते हो कि मैं परेशान हूँ। माफ करना, तुम सही हो, मैं बस जोक मार रहा था। एक इनसेंसिटिव जोक, साथ ही साथ जजमेंटल और सुपीरियर भी। अरे बाप रे, मैं बस एक जोक मार रहा था और मैं सुपीरियर हूँ? क्या तुमने इस जंगल के लोगों को देखा है? वो यहाँ पर कैसे रहते हैं? ऐसी जिंदगी का मतलब ही क्या है? पता है क्या, वो लोग जो अपनी जिंदगी वैसे नहीं जीते जैसे तुम उनके बारे में सोचते हो कि उन्हें वैसे जीना चाहिए, तो वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हमें वैसे भी स्टोर वापस जाना है, बर्फ खत्म हो चुकी है और भी बहुत सारी चीजें हमें लेनी है। क्या पता उनके पास कुछ और हो। ओ हाँ, वाओ, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम दुकान के सामान को देखने के बजाय उस लड़की के फिगर को देख रहे थे। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जैक। ओ, तुम उठ गई। टाइम क्या हो रहा है? लंच टाइम, क्या तुम्हें ये पसंद है? अरे वाह, मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। हाँ, पिछले कुछ दिनों से यही हो रहा है। हाँ, मैं टेबल तैयार कर देती हूँ। और हाँ, पका हुआ प्लीज। तुम्हें कोई सब्जी चाहिए? नहीं। ओके। मैं बहुत भूखी थी, तुम खा क्यों नहीं रहे? मैंने पहले कुछ खा लिया था। तुम्हें पता है क्या, मैं इसे बाहर पोर्च पे रख देती हूँ ताकि लैरी इसकी स्मेल से घर का रास्ता ढूंढ ले। लैरी, लैरी,
अब हमें क्या करना है? मुझे नहीं पता। तुम्हारा हाथ कैसा है? खुजली हो रही है। पता है वो जो दरवाजा है वहां पर पूरी तरह बंद नहीं होता, मुझे डर लगता है। क्या तुम उसका कुछ कर सकते हो? तब तक मैं बर्तन धो देती हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कल रात की एक अच्छी शुरुआत थी। उस जानवर के घर में घुसने से पहले सब कुछ अच्छा था। क्या हम उसकी शुरुआत फिर से करें? कैसा रहेगा अगर तुम पहले दरवाजा बंद कर लो? ठीक है, पहले मैं दरवाजा ही बंद करता हूँ। क्या था? माफ करना, मुझे इस चीज पे गुस्सा आ रहा है। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। मुझे बस भूख लगी है। हाँ, जाहिर सी बात है, तुमने लंच भी तो नहीं किया। नहीं, मैंने नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए बर्गर बना दूं? ठीक है, अच्छा अच्छा बनाना। ओके, जाओ। ठीक है। मुझे यकीन है कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी होगी तो वो घर का रास्ता ढूंढ लेगा। मुझे बस चिंता है कि अगर वो नहीं ढूंढ पाया तो। लैरी? हाँ, लैरी। वो ठीक होगा और मुझे यकीन है कि वो कभी भी आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ। बात यह है कि वो लड़ाई इतनी खतरनाक थी, तुमने किचन तो देखा था ना? और मेरा हाथ? हाँ, तुम्हारा हाथ भी। वो ठीक होगा, पर अगर वो नहीं हुआ तो हमें उसे बाहर जाकर ढूंढना चाहिए। नहीं, नहीं। वो अपनी नाक का इस्तेमाल कर सकता है, उसके आने तक हमें यहां रुकना चाहिए। मुझे लगता है तुम सही हो। बस ऐसा है कि वो इतने वक्त तक कभी दूर नहीं रहा। उसके बारे में बात करना बंद करोगी तुम प्लीज? उसने मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हारी जान बचाई? नहीं, तुम बाहर भाग गए थे। मैं हथियार लेने गया था। ओ, तुम्हारा मतलब कोई कुर्सी या कोई तेज धारदार चीज? अंधेरा था। मैं यहां से जा रहा। क्या? बाहर जा रहा हूं हवा खाने, और लैरी को ढूंढूंगा भी। मैं साथ चलूंगी। नहीं, तुम यहीं रुकना उसके वापस आने तक। लैरी, परेशान कर रहे हो। लैरी, मुझे रेबीज नहीं होना चाहिए। हाँ।
लैरी, 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 ओह माय गॉड, हेलो, हेलो, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। कोई बात नहीं, बस यहां बैठ जाओ इस तरफ। तुम ठीक हो? ओह शिट, ठीक है। मेरी हस्बैंड जैक, फिलहाल गाड़ी उसके पास है, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे जब तुम्हारी जरूरत है तब तुम कहाँ हो? वो क्या था? देखा, मैंने कहा था ना यहाँ कोई जानवर है। ठीक है, पापा की बंदूक लाई है? नहीं, अंधेरा है पर आग जल रही है, ऐसे में वो हमसे अभी मीलों दूर रहेंगे। वैसे भी हम वो जिंदगी जी रहे हैं जो हमें चाहिए, सही कहा ना? आराम से, आराम से, कोई खतरे की बात नहीं है क्योंकि तुम सही तरीके से सांस ले पा रहे हो। तुम बस आराम करो। जैक, ओह माय गॉड, तुम्हें इतनी चोट लगी है? मैं ठीक हूँ, एक्चुअली गाड़ी का
एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारा खून निकल रहा है, तुम ठीक कैसे हो सकते हो? लगता है मेरा सर स्टीयरिंग से टकरा गया। वो जो दवाइयां उस डॉक्टर ने दी थी उससे रिएक्शन हुआ है। कहीं स्टिचेस की जरूरत तो नहीं? क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं, ये तो वो बिना कपड़ों वाला लड़का है। क्या कहा तुमने? एक लड़का था, उसे बहुत बुरी तरीके से चोट लगी थी, वो बिल्कुल नंगा था। और तुमने उसे घर में आने दिया? जैक, वो बुरी तरह जख्मी था, उसका खड़ा होना भी मुश्किल था। मुझे लगता है एक ही चीज ने तुम दोनों पे हमला किया है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम कोई सपना देख रही हो जब यहाँ सो रही थी तो? वो उसी का है, ठीक है, वो यहीं पे था। तुम्हारे आने के बाद मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाने वाली थी। अब कहाँ है वो? पता नहीं। क्या तुमने पक्का किसी को यहाँ पर नहीं देखा? हाँ, मुझे यकीन है अगर वो यहाँ होता तो मुझे जरूर दिखता। हाँ पता नहीं, लेकिन वो इतना होश में नहीं था। मेरा मतलब उसका काफी खून बह चुका था। चोट तो मुझे भी लगी है। ओह, मुझे माफ कर देना। चलो ऊपर चलकर बिस्तर पर लेट जाओ। चलो। अपने जूते निकाल दो, आराम से लेटो। अरे लगता नहीं कि तुम्हें स्टिचेस की जरूरत है। कोई घाव नहीं है यहाँ। ये खून शायद तुम्हारे हाथ का होगा। ये तो अच्छे से ठीक हो रहा है, बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। जैक, तुम्हारा अभी एक्सीडेंट हुआ है। मैं ठीक हूँ। तुम्हें कंकशन हो सकता है। तो तुम्हें मेरा सर देखना चाहिए। लैरी, लैरी तुम कहाँ गए थे? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। लगता है ये ठीक है। गुड बॉय। तुम कहाँ चले गए थे? ये ठीक है। हे लैरी, तुम्हें यहाँ देख के अच्छा लग रहा है। हे, अब ये वापस आ चुका है तो मुझे रेबी शॉट लेने की जरूरत नहीं है। और हम ये बकवास केबिन छोड़ सकते हैं। हे, तुम भूल गई हम कुछ कर रहे थे अभी। ओ सच में जैक, ये बहुत ही भयानक था। तो हम वो खत्म कर लेते हैं ना। जब से हम यहाँ आए हैं हम पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया, तुमने गाड़ी ठोक दी, हमारा बहुत खर्चा हुआ, पता नहीं कितना। अब हमें वेट के भी खर्चे उठाने हैं। और उस नंगे लड़के को मत भूलना। हाँ, जरा बताना उसने कपड़े क्यों नहीं पहने थे? ओ, उसने मुझे बताया नहीं। हाँ। हम दोनों यहाँ अपने रिश्ते के लिए शांति की तलाश में आए थे, लेकिन यहाँ बिल्कुल कोई शांति नहीं है। हाँ, तुम सही कह रही हो। हाँ, और वैसे भी वो लड़का बहुत जख्मी था। हो सकता है कि वो बाहर तालाब के पास हो या उसमें डूब रहा हो। हमें पुलिस को या फॉरेस्ट रेंजर को किसी को बुलाना चाहिए। रुको, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी आंटी की है और हम यहाँ रह रहे हैं। क्या इसका जिम्मेदार हमें ठहराया जाएगा? शायद ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, यही सही पॉइंट है। यहाँ से निकलने की दूसरी वजह मिल चुकी है। हाँ, मुझे लगता है। रुको, हम नहीं जा सकते, मैंने गाड़ी ठोक दी है। जैक, अब हम क्या करेंगे? हे, कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे लगता है यहाँ से निकलना चाहिए। क्या क्या कहा? नहीं, हमें रात की नींद पूरी कर लेनी चाहिए और हम सुबह फ्रेश होकर देखने जा सकते हैं कि गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही है। ऊपर से मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तो भूल ही गई थी, मुझे तुम्हें कुछ खाने देना चाहिए था। मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ। गुड बॉय, अब मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। हाँ, मेरे पास भी तुम्हारे लिए सरप्राइज है, लेकिन वो तुम्हें बाद में दूंगा। सच में, निकलो यहां से, जाओ। जैक, चलो उठो। जैक, जैक,
अभी आता हूं। ठीक है तो अब हम चले। सच में जाना पड़ेगा जैक, ये सब खत्म करो। हमें पुलिस को बुलाकर उस नंगे लड़के के बारे में बताना होगा। हमें हमारी गाड़ी ठीक करनी है, बहुत सारी चीजें करनी है, हमारे पास काम भी है। उसे ठीक करने में एक हफ्ता जाएगा। मैं जानता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा था। मुझे बस यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पहली बात की तुम यहाँ आना नहीं चाहते थे, अब ये सब सारी चीजें हो चुकी हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? पता है, मैं बस यहाँ पे बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, एकदम घर जैसा। हाँ सच में तुमने अपनी बात बदल दी। लैरी, हे कम ऑन बेबी। अब इसे पट्टे से बांध दो, मैं नहीं चाहता ये जितनी बार गिलहरी देखे उसके पीछे भागे। मैं इसे पट्टा नहीं लगा सकती, इसकी गली में बहुत प्रॉब्लम है। तुम इसे बहुत प्यार करती हो। किसी को तो करना होगा, चलो बेबी चलते हैं। देखो यहाँ है। वाह, तुम ज्यादा दूर तक नहीं आए थे, हम थोड़ी देर से ही तो चल रहे हैं। हमें उस डॉक्टर पे केस कर देना चाहिए। एटलीस्ट उसे मुझे वार्निंग देनी चाहिए थी कि तुम ड्राइव मत करना। मैं स्टीयरिंग पे बेहोश हो गया था। वाओ, गाड़ी की हालत तो बहुत खराब है। मैं हैरान हूँ कि तुम्हें चोट नहीं लगी। मुझे लगता है सिर्फ बम्पर डैमेज हुआ है, और ये फ्रेम और कार बिल्कुल सही लग रही है मुझे। मुझे नहीं पता जैक, यहाँ से कुछ टपक रहा है और गैस जैसी स्मेल आ रही है, क्या ये सेफ है? कोशिश करने पे ही पता चलेगा। मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं लगता है कि यह सही है। क्या तुमने ये सीरियसली कहा था कि यह तुम्हें घर जैसा लगता है? हाँ, सच में मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। काफी शांति है यहाँ। शांति? हाँ, पेड़ वगैरह हैं। तो तुम्हारा क्या मतलब था? वाइल्ड। वाइल्ड मतलब पागल नहीं, वाइल्ड मतलब नेचर। मैं यहाँ खुल के रह सकता हूँ। शायद सही है, यहाँ बहुत कम ही लोग हैं तुम्हें परेशान करने के लिए। लैरी, तुमसे कहा था ये होगा। कोई है? हेलो, हमें लिफ्ट चाहिए। चाबी नहीं है। ये बंद है। हाँ लैरी, 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 यहाँ। कितनी गंदगी है जैक। रुको 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 रुको, पीछे रहना पीछे। खून तो यहाँ बहुत पड़ा है, लेकिन कोई है नहीं। क्या पता कोई जानवर हो, शायद कोई भालू। या जिसने हम पर अटैक किया। ओ जैक, वो नंगा लड़का, शायद वो यहाँ कैंपिंग कर रहा होगा। हमें कहीं से एक फोन ढूंढना होगा, शायद उसकी चाबियां टेंट में हो। अरे यार फिर से। लैरी, 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 रुको। ये सब क्या चल रहा है? मुझे कैसे पता होगा? हमें पुलिस को बुलाना होगा। अभी भी नेटवर्क नहीं है। लैरी प्लीज रुको। लैरी, 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 तुम कहाँ जा रहे हो? जैक, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तू रहो मुझसे। जान, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। ये शर्ट तुम्हारी है, दूर रहो मुझसे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है, ये कमाल का है। तुम पागल हो। मैं समझ सकता हूं। मैं नहीं।
इंसानी हाथों के साथ तुम ये कर सकते हो, मिस लुपो, मिस लुपो, मैं डॉक्टर हार्वर्ड का दोस्त हूँ, उन्होंने मुझे आपको देखने के लिए भेजा है। रुको, प्लीज, जाना मत, प्लीज। हाय मिस लुपो, तुम्हारी कार कहाँ है? मैं बस पास में ही रहता हूँ। नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा। देखिए मैम, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा, समझने की कोशिश। मैं शांत नहीं होने वाली, मेरे हस्बैंड बाहर है, वो पागल हो गए हैं, वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। दरअसल मैं समझ सकता हूँ, इसलिए आपसे और आपके हस्बैंड से बात करने आया हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, बस दरवाजा बंद कर देना। ये उसने किया? मैंने किया। लेकिन पागल तो वो हुआ है ना? हाँ। मिस लुपो, क्या आपको भी काटा गया था? नहीं, मेरा लैरी, उसने उन लोगों को भगा दिया जो मुझ पर अटैक करने वाले थे। लैरी एक डॉग है? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? बस तुक्का लगाया। दरअसल मुझे फिक्र है मेरे पति जैक की, वो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। मुझे लगता है उन्होंने किसी का खून किया है। क्या उसने पहले कभी किसी को मारा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ जरूर, इससे बेहतर हो गया। सच में हुआ है, क्योंकि मैं यही इंतजार करूंगा आपके साथ जैक के वापस आने का, और फिर मैं उससे थोड़ी बातें करूंगा और मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। एक गवाह रहेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता, जैक पागल हो गया है, वो बात नहीं करना चाहता, वो बहुत गुस्से में है। मैं उसे 20 साल से जानती हूँ, उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया। मिस लुपो, मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है क्या? क्या? मैं बस, मेरी रात काफी लंबी रही है ना, सच में मुझे कॉफी चाहिए थी। जरूर। शुक्रिया। तुम रैंडी की कजिन हो, रैंडी की भतीजी, सही कहा? हाँ। ये तुम्हें कैसे पता? ओ, क्या डॉक्टर हार्वर्ड ने बताया?
सही कहा, छोटी जगह है। लोग दूसरों के मामले में टांग अड़ाना अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे अंकल को अच्छी तरह से जानता था। वो अच्छे आदमी थे, अच्छे पड़ोसी, और ये सब यहाँ पर बहुत मायने रखता है। जब वो गुजर गए थे तब मैं उनके साथ था। बहुत ही बुरा हुआ उनके साथ। ये मुझे नहीं पता था। वो एक हंटिंग एक्सीडेंट था, है ना? हाँ, वो वैसा ही था। हाँ, आंटी डेलोर्स, उन्होंने हमें ये केबिन एक हफ्ते के लिए दी थी क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताना था। हाँ, ये जानकर बहुत दुख हुआ। लेकिन देखो, सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। मुझे नहीं पता आंटी डेलोर्स को कैसे चुकाएंगी। जब तुमने मुझसे पूछा कि क्या जैक ने कभी किसी को मारा है, क्या तुम सीरियस थे? देखो, तुम्हें समझना होगा कि तुम अब शहर में नहीं रह रहे हो। हम यहाँ धरती से थोड़े करीब रहते हैं। मुझे लगता है जंगली जानवरों के बीच रहकर हम कई बार बहुत से मौतें देखते हैं। जानवर मरते हैं, लोग मरते हैं, समझ रही हो? कभी कभी ये ठीक है और कभी कभी नहीं। मुझे इसी बात का डर है। जैक, उसे हमेशा से जल्दी गुस्सा आता था। दरअसल हम मिले ही वैसे थे। Really? हाँ, कॉलेज की तुरंत बाद मैं एक बार में थी और एक लड़का बिल्कुल चिपकू मुझ पर लाइन मार रहा था। मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और उसने अपना हाथ ऐसे उठाया जैसे वो मुझे मारने वाला था। फिर तो वो एक मर्द नहीं है। और भी है। जब उसने अपना हाथ उठाया तो दूसरे हाथ ने उसका हाथ पकड़कर उसे घुमा दिया, और फिर उसने मेरी तरफ देखा। वो जैक था, और उसने कहा, क्या इसने तुम्हें परेशान किया? और जब वो मेरी तरफ देख रहा था, उस दूसरे लड़के ने उसे मुक्का मार दिया। जैक हिला तक नहीं, वो एक सेकंड तक आंखों में देखता रहा। वो उसकी तरफ मुड़ा और उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। सच में? लेकिन उसने उसे मारा नहीं होगा। नहीं, लेकिन अब सोचती हूं तो डर लगता है कि वो लड़का पिट गया। उसे इसका अंदाजा भी नहीं होगा। लेकिन बहुत फर्क होता है गुस्से वाला होने में और खून करने में, समझ रही हो? उसके लिए एक अलग इंसान होना पड़ता है। जैक ने उसे जाने दिया, सही कहा ना मैंने? हाँ, मुझे लगता है मैं बहुत इंप्रेस हो गई थी। मैंने उसे अपना नंबर भी दे दिया था। तो वो तुम्हारे लिए खड़ा हुआ, इससे तुम्हें वो पसंद आ गया? मैं उसके साथ घर चली गई थी और हम तब से साथ में हैं। कितनी खूबसूरत कहानी है ये। पॉइंट ये है कि जैक लड़ाई करने से डरता नहीं है। खैर, सभ्यता को चीर कर बाहर निकालने के लिए इस तरह की एक बड़ी घटना की जरूरत है, और फिर आप देखते हैं कि वो आदमी असल में कौन है। और कुछ लोग, पता है, वो इसे अपनी पूरी जिंदगी के लिए दफना कर रख सकते हैं, और हम में से कुछ के पास ये चॉइस भी नहीं है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं सिर्फ दुनिया के दिखावे के बारे में बात कर रहा हूँ। चाइनीज उसे यिन और यांग कहते हैं। वेस्टर्न साइकोलॉजी में उसे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन कहते हैं, लेकिन नेटिव अमेरिकन जो यहाँ रहते थे वो उन्हें स्पिरिट ब्रदर कहते थे। मैं बस उस प्राणी के स्वभाव के बारे में बात कर रहा हूँ जो सबके अंदर मौजूद है। शायद ऐसा हो रहा है कि जैक अपने स्पिरिट ब्रदर के साथ पहली बार संपर्क में आ रहा है। ये ऐसी चीज है जो वो घर पर नहीं कर सकता। ये अजीब बात है, उसने भी कुछ ऐसा ही कहा था। उसने मुझसे कहा था वो यहाँ आकर फ्री महसूस करेगा और एंजॉय कर पाएगा। तो आपको जवाब मिल गया है? पता है, मैं देख सकती हूँ तुम दोनों पागल हो चुके हो। जैक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मेरा मतलब, वो पागल हो चुका है, उसने किसी को मार डाला, और तुम मुझे यहाँ से निकालने वाले हो या नहीं? क्या आपके पास कोई भी सबूत है कि उसने किसी को मारा है? आप कुछ कहना चाहती हो? यहाँ से कुछ 2 मील दूर एक मरी हुई लड़की है जिसका शरीर पूरा नष्ट हो चुका हो, जैसे जानवर का वार हो। उसके बगल में मुझे जैक की शर्ट मिली। आप
अब इससे चीजें बदल सकती हैं। वर्जीनिया। जैक। वर्जीनिया। हे, सुनो सुनो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है चलेगा, लेकिन चाकू मेरे साथ रहेगा। वर्जीनिया। मैं अंदर हूँ, हमें एक मिनट दो। हम वो बिना कपड़ों वाला लड़का। ये आदमी कौन है? हाय जैक, मेरा नाम रीड है, रीड ऑलिवर। मैं डॉक्टर हावर्ड का दोस्त हूँ, उन्होंने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। तुम ठीक तो हो ना बेबी? हाँ, मैं बस थोड़ी हिल गई थी। खैर, कुछ चीजें हैं जो मुझे आप दोनों को समझानी है, प्लीज अंदर आइए। मिस लुपो, क्या आपको पता है आपके पति को एक गिफ्ट मिला है, एक बड़ा गिफ्ट। अक्सर हमारे पास पूरा एक महीना होता है समझाने और प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन ये थोड़ा असामान्य है। तुम्हें लगता है? वर्जीनिया, क्या मैं आपको इस नाम से बुला सकता हूं? मैं सीधा आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपने आप को जैक को समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये तुम्हें सुनने में थोड़ा शानदार और अजीब भी लग सकता है। कुछ दिन पहले तुम लोगों पर किसी ने हमला किया था, उसे तुम एक वेयरवॉल्फ कह सकते हो। ये भी पागल है। चलो रुको, इसकी बात सुनते हैं। तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है? सही कहा। क्या हुआ था? और वो एक उल्फ था। मेरे पूर्वज माना करते थे कि इंसान और भेड़िये की आत्माएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। मेरा मतलब है कि जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो हम हजारों सालों से एक ही शिकार के मैदान को साझा कर रहे हैं, और ये बात कि भेड़ियों को हमने कभी पालतू नहीं बनाया इस बात को सपोर्ट करते हैं। मतलब फिजिकल चेंज होता है। डॉक्टर हार्वर्ड सोचते हैं कि द गिफ्ट एक बड़ी बीमारी है, लेकिन मैं इसे आध्यात्मिक तरीके से ज्यादा देखता हूं। मेरा मतलब तुम्हें सिर्फ उस ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी आंखों से देखना है, एक बड़े सुंदर चांद तले, और तुम्हें लगेगा कि कुछ तो अलौकिक हो रहा है जो बहुत ही अलग है। तुम्हें कहां काटा गया था? जैक, वो तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ये खतरनाक है? दरअसल ये उस पर निर्भर करता है। अगर वो एक अच्छा इंसान है, अगर उसकी आत्मा एक अच्छी आत्मा है, जब उस गिफ्ट का असर होता है, वो बाहर बरामदे में रात को सो जाएगा, पूंछ हिलाएगा, थोड़ा खुजाएगा, गिलहरे के पीछे भागेगा। अगर वो आमतौर पर बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो तो अब हम आते हैं उस मरी हुई लड़की के मामले पर। तुम कह रही हो कि जैक को गुस्से की प्रॉब्लम है? तुमने इस आदमी से क्या कहा? वो शांत रहो जैक, हम यहां बहुत सालों से हैं, हम जानते हैं कि ऑकेजनल एक्सीडेंट कैसे हैंडल करे। मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम पैक झुंड के लिए कभी खतरा साबित होगे? जैसे ही हमें शक हुआ कि तुम्हें शायद गिफ्ट मिल चुकी है, हमारे लॉ वाले फ्रेंड्स ने तुम पर थोड़ी जांच पड़ताल की। मुझे पता चला है कि तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। मेरा मतलब कुछ खास नहीं, जब तक हम सील रिकॉर्ड नहीं चेक कर रहे थे। क्या? बहुत टाइम पहले। ये बाल अपराध था, इसलिए उसे बंद कर दिया गया। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। खैर, तुम्हें तुम्हारी सफाई अब झुंड पैक को देनी होगी, क्योंकि हम हर पूनम की रात को खून का दरिया नहीं बहा सकते हैं, है ना? हम इसे ढक पाए उसकी भी एक हद होती है। क्या?
मैं जिन चीजों को करना नहीं चाहता तुम वही करना चाह रहे हो, और हमारे पास जो पहले से है तुम चाहते हो कि तुम उसे और बढ़ाओ। तुम पागल हो गए हो। तो हम पर अटैक क्यों हुआ था? अल्फा वुल्फ को लगा होगा जैक खतरा है। मेरा मतलब किससे पता, शायद उसने ही ऐसा कुछ अजीब महसूस किया हो। तुम मुझे धमका रहे हो। झुंड को सुरक्षित रखने के लिए जो करना पड़ेगा करूंगा। तुम मुझे धमका रहे हो। छोट इसे गुस्सेल पिल्ले, मुझे ये चीज पता थी, मैंने जॉन के स्टोर पर सुन लिया था। तो वो तुम थे। तुम क्या हो, अल्फा? तुम्हें क्या लगता है? तो ये तुम्हारे नियम है, जब तक ये तुम्हारे रास्ते में नहीं आते। बिल्कुल सही। तो हम चांद के निकलने का इंतजार करके इससे पुराने तरीके से सुलझा सकते हैं। तो इंतजार क्यों करना? इसके साथ तो ये होना ही था। मेरे पास कोई चारा नहीं था बेबी। क्या तुमने सुना ना, वो मुझे किसी कमेटी के सामने खड़ा करने वाला था, फिर वो लोग मुझे जंगली जानवर की तरह मार डालते। और वो ऐसा करने को क्यों सोचेगा? मैंने अभी सब ठीक कर दिया। मैं इस बॉडी को दफना दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तुम मेरे साथ हो या नहीं, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। जरूर जान। हाँ, भेड़िए जिंदगी भर साथ रहते हैं, है ना? हाँ। सुनो जानू, तुमने उसकी बात सुनी? वो मुझे मारने वाला था। तुम नहीं जानते, झूठ समझ लेता, हो सकता है वो तुम्हारे पक्ष में होते। तुमने सुना था ना, वो चांद के आने का इंतजार कर रहा था, उसके बाद वो मुझे मार डालता। और वो मरी हुई लड़की का क्या? ठीक है, मैं मानता हूँ ये गलत था। जैक, नहीं प्लीज, अभी तो बुरा या अच्छा हो सकता है। अब यहां बहुत बुरा होगा। Thank you.
ठीक है, तो जैक ने इस आदमी को मार डाला और फिर वो घबरा गया और भाग गया और उसने गाड़ी ठोक दी और क्रैश में मर गया। पुलिस ये बात मान जाएगी, है ना? बैठो। शांत शांत हो जाओ यार, कोई बात नहीं। ओ हेलो, आप यहाँ काफी रेगुलर होती जा रही हैं। हाँ, हम महीने में एक बार यहाँ आया करते हैं। मुझे बिजनेस मिल रहा है इसलिए मुझे बहुत खुशी है, लेकिन मुझे लगा दुनिया का ये कोना आप दोबारा कभी नहीं देखना चाहेंगे। कैबिन को तो बिल्कुल ही नहीं, जो कुछ बुरा हुआ उसके बाद से। हाँ, वो सब मैं पीछे छोड़ाई हूँ। ये जगह अब मेरे लिए और ज्यादा खास हो चुका है। मेरा मतलब था ऐसे वहाँ पे अकेले रहना वगैरह। मैं अकेली नहीं हूँ। क्या मतलब है आपका? मुझे नहीं लगता आप मेरे छोटे भाई से मिली हैं। ये जेम्स है, ये यहाँ का प्रधान है। छोटा भाई, हाय, मैं वर्जीनिया हूँ। आप कह रहे थी कि आप अकेली नहीं हैं। हाँ, लैरी मेरा डॉग, वो कार में है। आपका बुरा वक्त अब शायद खत्म हो गया है, अगर ऐसा कहने से आपको दिक्कत ना हो। दरअसल मुझे दिक्कत है, मेरे हस्बैंड एक्सीडेंट में गुजर चुके हैं और उनका फ्रेंड रीड भी। मैं भी उसी बात पर आ रहा था। मिस्टर ऑलिवर यहाँ के कम्युनिटी लीडर जैसे थे, क्या वो दोस्त थे? जैक मुझसे काफी बातें छुपाया करते थे। मैं बस मान रही हूँ कि वो उनके दोस्त होंगे क्योंकि वो साथ में निकले थे। कुछ लोग हमेशा ही खास होते हैं,
मिस्टर ऑलिवर बेशक कम्युनिटी के लीडर रहे होंगे, पर अच्छे वाले नहीं। उनके रिकॉर्ड से पता चला कि वो बहुत ही हिंसक थे, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे बुरा लगा। शुक्रिया। हाँ, और अब आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और लैरी यहाँ बार बार आते रहेंगे। हमें ये शांति पसंद है। मैं यही सुनना चाहता था। 13:50। ओ हाँ, मेरे पास छुट्टे हैं। हम अपना ख्याल खुद रखते हैं। पता है क्या, मैं ये भी ले लूंगी। जैसी आपकी मर्जी। लैरी से कहना कि हमने हाय कहा है। शुक्रिया, कह दूंगी। अब तुम भी हम में से एक हो। अगले महीने मिलते हैं। शुक्रिया। क्या तुमने मुझे याद किया? ये देखो तुम्हारे लिए, ये देखो, मैं तुम्हें पढ़ के बताऊंगी। चलो चलो, चलते हैं। Tonight you're back on a fleeing